नमस्कार दोस्तों, मैं वास्तु शास्त्री आनंद शर्मा एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही उपयोगी जानकारी के साथ एक वीडियो। हमारे एक सब्सक्राइबर ने एक बड़ा सारा कमेंट लिखकर ये पूछा था, सर हमारा 36x45 फीट का एक प्लाट है, मगर प्लाट कुछ इस तरह है कि प्लाट की लंबाई है वो कम है और चौड़ाई ज्यादा है, और दो दिशा में हमारे ओपन एरिया है, यानी दो दिशा में हमारी रोड जा रही है, एक तो दक्षिण दिशा में रोड जा रही है, एक उत्तर दिशा में रोड जा रही है। तो उनका सवाल कुछ ऐसा था कि सर कौन सी दिशा का घर बनाना उचित रहेगा और थोड़ा मार्गदर्शन करें ताकि हम अपना घर बना सके। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम किसी भी घर का निर्माण करते हैं दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है और उतना ही महत्वपूर्ण होता है वास्तु। अगर हम उस दिशा के अनुरूप वास्तु का चयन नहीं करते हैं तो उस घर में रहना जीवन भर संघर्षपूर्ण हो रहता है, बच्चों का और खुद का भी जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहता है। सबसे पहले देखिए, हमने ये जो प्लाट है इसमें साउथ में यानी दक्षिण में और उत्तर दोनों तरफ रोड थी, मगर हमने उत्तर दिशा में घर बनाना उचित समझा। कारण उत्तर दिशा वास्तु के अकॉर्डिंग सबसे शुभ मानी जाती है और भगवान कुबेर की दिशा होती है, बहुत ही शुभ धन धान्य देने वाली दिशा मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य द्वार हमने यहाँ पर रखा है जो लोहे का मुख्य द्वार होगा। जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे ये ईशान कॉर्नर हमने पार्किंग के लिए ओपन रख दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप आराम से अपनी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हैं। फिर अब इनके पूर्व दिशा में और ये पश्चिम दिशा, दोनों दिशाओं में अदर प्रॉपर्टी है, यानी कि दूसरों का मकान था, सिर्फ आगे और पीछे दोनों तरफ ओपन एरिया है, रोड है। तो यहाँ पर हमने एक गैलरी दी है 2.5 फीट की, और इधर भी हमने 2.5 फीट की, 3 फीट की करीबन गैलरी छोड़ दी है। जहां पर आप जो ये ग्रीन एरिया देख रहे हैं वहां पर आप तुलसी के पौधे वगैरह लगा सकते हैं, काफी शुभ रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी घर में और काफी सुगत परिणाम आपको मिलेंगे। उसके बाद में घर का जो मुख्य द्वार है वो हमने दो दिए हैं अंदर के, एक तो द्वार हमने यहाँ पर लगाया है और एक द्वार हमने यहाँ पर रखा है। जो आपके घर का एंट्रेंस होगा वो आपका एंट्रेंस ये होगा, और अगर आप यहाँ पर एंट्रेंस रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, दोनों वास्तु के अनुरूप है। तो ये जो द्वार रहेगा अंदर का, इसको हम जैसे अंदर एंटर करेंगे ये मेहमानों का कमरा हो गया, यानी कि मेहमान के लिए जो कमरा होता है जिसको हम बैठक बोलते हैं वो आपका ये बनेगा। एक खिड़की आप इधर लॉन की तरफ, एक खिड़की आप पार्किंग तरफ रखें, एक दरवाजा आप आंगन की तरफ जाने का, हॉल में जाने का रखें, बहुत शुभ परिणाम होंगे, अच्छा रूम बनेगा, बैठक होगी गेस्ट के बैठने की, कोई भी गेस्ट डायरेक्ट अंदर नहीं जा पाएगा, यहाँ पर आप आराम से बिठा सकते हैं। उसके बाद देखिए, इधर हम आते हैं तो यहाँ पर हम इस एंट्रेंस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो ये पूरा अपना ब्रह्म स्थान हॉल रहेगा। इस कॉर्नर में पूजा घर रहेगा, यथास्थान पूजा घर का निर्माण करें, जहां पर स्वास्थ्य का काफी सुगत परिणाम मिलेंगे। उसके बाद में एक खिड़की पूजा घर की इधर रहेगी, एक खिड़की आंगन की इधर रहेगी, काफी बड़ा आपका लिविंग एरिया विथ आपका पूरे सोफे वगैरह आराम से सेट हो जाएंगे। लिविंग एरिया में यहाँ पर आपके सोफे वगैरह सेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए आप इधर एंटर करते हैं, यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ दरवाजा लगेगा, अंदर एंटर करेंगे ये क्या है, ये आपका अग्नि कॉर्नर है, ये आपका रसोई घर बनेगा। पूर्व दिशा में अदर प्रॉपर्टी होने का रसोई घर की कोई खिड़की आपको इधर नहीं देनी, एक खिड़की आप डायरेक्ट इधर लॉन में दे सकते हैं छोटी। और फिर देखिए एक बीच में यहाँ पर आपकी वॉल बनेगी, दीवार, और इधर का एरिया रहेगा वो डाइनिंग एरिया, यानी किचन प्लस डाइनिंग एरिया हमने साथ में दे दिया है, बहुत ही प्यारा सा घर बनेगा। उसके बाद में जो वॉश एरिया, बर्तन धोने का स्पेस इधर रह जाएगा आपका, एक विंडो दक्षिण की तरफ दे दी है ताकि अच्छा वेंटिलेशन रहे और आराम से गैस चूल्हा वगैरह इधर सेट हो जाए। बहुत ही शानदार प्लान है। जब भी घर का निर्माण करें वास्तु का पूर्ण रूप से ध्यान रखें, कोई भी अच्छे वास्तु शास्त्री से ही नक्शा बनवाइए। अगर आप हमसे अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो वो पेड सर्विस रहती है, यानी फीस ली जाती है पर्सनल वर्क की। वैसे आप हमारे चैनल पर लाभ उठा सकते हैं, 600-650 से ज्यादा वीडियोज है, उनसे आप लाभ उठा सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, देखिए अब हम हॉल से इधर एंटर करते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग पूरी दक्षिणावर्ती सीढ़ी है, सीढ़ी के नीचे की दीवार में एक विंडो हमने दक्षिण में दे दी है ताकि आंगन का वेंटिलेशन रहे, गजब का क्रॉस वेंटिलेशन रहेगा। एक विंडो हमारे घर के अंदर ही खुलेगी और एक विंडो हमारे इधर खुलेगी, क्रॉस वेंटिलेशन। इधर एंटर करेंगे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका कॉमन लेट बाथ रहेगा, एक विंडो आपकी पीछे की तरफ ओपन हो जाएगी वेंटिलेशन की। फिर आप इधर प्रवेश करें, आपका एक रूम यहाँ पर और एक रूम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, दो कमरे बनेंगे प्यारे से और एक रूम आपका ये हो गया, तीन कमरे होंगे 36x45 में। ये जो कमरा है ये नर्तकीय कॉर्नर का कमरा है। इस कमरे को बनाते समय आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है, कमरा दबा हुआ ना हो, और इस हिसाब से बनाइए कि वास्तु का पूरा पूरा इसके अंदर ख्याल रखा जाए। तो ये आपका प्यारा सा रूम बनेगा नर्तकीय कॉर्नर का, घर के मुखिया का ये कमरा होता है। काफी लोग कमेंट करते हैं, सर घर के मुखिया को कौन से कमरे में रहना चाहिए, तो इस कमरे में रहना चाहिए। फिर आप इधर प्रवेश करते हैं, ये आपका एक
रूम रहेगा, रूम के अंदर आप देखिए क्रॉस में दोनों दरवाजे रहेंगे, बहुत सुंदर रहेगा। रूम की एक विंडो आपके आगे की तरफ रहेगी। इस रूम के अंदर अटैच लेट बाथ रहेगा, इस कॉर्नर में हमने अटैच लेट बाथ दिया, लेट बाथ का वेंटिलेशन फैन और विंडो इधर ओपन हो गया है, तो काफी शानदार ढंग से ये आपका रूम बनेगा। और आपका जो बेड वगैरह आप आराम से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अलमारी वार्डरोब वगैरह यहाँ बना ले। तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो इन फ्यूचर आपके जीवन में खुशियां आएंगी, बच्चों के जीवन में भी खुशियां रहेगी। फिर देखिए एक गेस्ट के लिए या अदर आप बाहर की तरफ एक कॉमन लेट बाथ दिया गया है। अब आप आंगन से इधर आते हैं तो बाहर की तरफ यहाँ पर एक दरवाजा लगेगा और एक लेट बाथ हमने बाहर की तरफ दे दिया है। तो इसके अंदर दो आपके ऑप्शन रहते हैं कि अगर आप अंदर वाले को सिर्फ स्नान घर बना सकते हैं, अगर आप काफी लोग ऐसे होते हैं जो घर के अंदर लेट बाथ अच्छा फील नहीं करते हैं तो आप इसको स्नान घर बना सकते हो, बाहर आके यहाँ पर आप टॉयलेट बना सकते हैं, इसको अपना लेटरिंग घर बना सकते हैं। तो काफी अच्छा हमने ऑप्शन दिया है। और एक लेट बाथ आपके कपल्स अगर कोई घर में है तो वो आराम से इस रूम में रह सकता है, लेट बाथ अटैच रहेगा। तो शानदार ढंग से इस प्लान को हमने रेडी करके आपको दिया है। आई होप आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नेक्स्ट वीडियो देखें ताकि और भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त हो। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई जानकारी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।